1908 से लेकर 2003 तक ब्रिटिश साइकिलिंग टीम स्काई ने सिर्फ एक ही गोल्ड मेडल जीता था, और टूर डे फ्रांस जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट साइकिलिंग इवेंट है, उसमें ब्रिटिश का परफॉर्मेंस काफ़ी बकवास था। तो ये परफॉर्मेंस देख यूरोप की कुछ टॉप बाईसाइकिल मैन्युफैक्चरर ने ब्रिटिश को अपना गियर ही देने से मना कर दिया, क्योंकि अगर प्रोफेशनल ये देख लेंगे कि उनका गियर ब्रिटिश साइकिलिंग टीम यूज़ कर रहे हैं, देन उनकी सेल जो है काफ़ी हर्ट हो सकती है। तो ये सब देखते हुए ब्रिटिश साइकिलिंग ऑर्गेनाइजेशन ने ब्रेल्सफोर्ड को एक अपना नया परफॉर्मेंस डायरेक्टर हायर किया। तो ये जो ब्रेल्सफोर्ड है उन्हें क्या डिफरेंट बनाता है दूसरे प्रीवियस कोचों से, और वो है उनकी कमिटमेंट एक स्ट्रेटेजी से, जिसे वो कहते हैं द एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स। तो इस स्ट्रेटेजी में वो बताते हैं कि जो भी चीज़ आप करते हो उसमें अगर आप हर एक्सपेक्ट में 1% इम्प्रूवमेंट लाते हो, तो वो इम्प्रूवमेंट धीरे 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 करते करते एक बड़ा रिजल्ट क्रिएट कर सकता है। तो उन्होंने यही सेम चीज़ साइकिलिंग में भी की। तो उन्होंने पहले साइकिल का जो सीट होता है उसे रीडिज़ाइन किया ताकि प्लेयर्स साइकिल में कंफर्टेबली बैठ सके। देन उन्होंने साइकिल का जो टायर है उसमें अल्कोहल रब किया ताकि साइकिल में थोड़ी बेटर ग्रिप मिल सके, और उन्होंने कई तरह के फैब्रिक्स को भी टेस्ट किया ताकि ब्रिटिश साइकिलिंग टीम अपना जो आइडियल मसल टेम्परेचर है उसे बैलेंस रख सके। तो उन्होंने अनएक्सपेक्टेड एरिया में भी इम्प्रूवमेंट किया, जैसे कि उन्होंने एक सर्जन को हायर किया और उनको ये कहा कि हर प्लेयर को सिखाओ कि कैसे बेस्ट तरीके से हाथ धोया जा सकता है ताकि वो कोई बीमारी को कैच ना कर सके, और उन्होंने मैट्रिसेस और बेड भी चेंज कर दिया ताकि प्लेयर जो है एक क्वालिटी स्लीप ले सके, और 100 से भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट उन्होंने किया। तो उनका इम्प्रूवमेंट का रिज़ल्ट उन्हें 5 साल बाद बीजिंग ओलंपिक में मिला, जो 2008 में हुआ था। तो उस ओलंपिक में फ्रेंड्स ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने 60% से भी ज़्यादा गोल्ड मेडल जीता था साइकिलिंग में। फिर 2012 के लंदन ओलंपिक में उन्होंने 9 ओलंपिक रिकॉर्ड और 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। उसी साल ब्रेडली विजिन्स ब्रिटिश के पहले प्लेयर बने जो कि टूर डे फ्रांस जीते, और 6 साल के अंदर ब्रिटिश टीम ने 5 से भी ज़्यादा टूर डे फ्रांस जीता। तो डेव ब्रेल्सफोर्ड की स्ट्रेटेजी द एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स के द्वारा एक ऑर्डिनरी साइकिलिंग टीम को एक वर्ल्ड चैम्पियनशिप बना डाला, क्योंकि 2007 से लेकर 2017 तक ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने 178 वर्ल्ड चैम्पियनशिप और 66 ओलंपिक्स और पैरालंपिक गोल्ड मेडल जीता था। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स हम यही जानेंगे कि कैसे एक छोटा सा इम्प्रूवमेंट एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकती है, और दूसरे पॉइंट पर हम ये जानेंगे कि हमारा प्रोग्रेस कैसा होना चाहिए, और तीसरे पॉइंट पर हम ये जानेंगे कि हमें क्यों अपना गोल को फॉरगेट करना चाहिए और हमें अपना सिस्टम पे फोकस करना चाहिए इंस्टेड। तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो बिना समय गवाए चलिए दोस्तों हम अपना वीडियो जो है शुरू करें। तो चलिए उससे पहले फ्रेंड्स प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और उसके बाद जो मुझे बेल आइकन है उसे भी क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमें मोटिवेट मिलता रहे इस वीडियो और भी ऐसा टाइप का वीडियो बनाने में। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं अपना वीडियो। व्हाई स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स मेक अ बिग डिफरेंस। तो फ्रेंड्स अगर आप हर दिन 1% इम्प्रूव होते जाओगे 1 साल के अंदर, देन अंडर 1 ईयर आप अपने प्रीवियस सेल से लगभग 37 टाइम्स बेटर हो जाओगे। वही फ्रेंड्स अगर आप हर रोज 1% वर्स होते जाओगे, देन आपकी इम्प्रूवमेंट रेट काफ़ी 0 तक आ जाएगी। तो आपको चूज़ करना है, आपको 1% बेहतर बनना है या फिर 1% वर्स बनना है। तो फ्रेंड्स हमारे जो हैबिट है वो एक कंपाउंडिंग की तरह है, जैसे कि मनी कंपाउंड होता है कंपाउंड इंटरेस्ट से, वैसे ही फ्रेंड्स हमारा हैबिट है वो भी कंपाउंड होता है जब हम उसे रिपीट करते हैं। तो दो तरह के कंपाउंडिंग होते हैं, एक पॉजिटिव कंपाउंडिंग और एक नेगेटिव कंपाउंडिंग। तो पहले हम पॉजिटिव कंपाउंडिंग के बारे में जानते हैं। सपोज फ्रेंड्स
आप एक बुक का हमेशा 10 पेज या फिर 5 पेज पढ़ते हो, देन आप एक साल के अंदर 9 से 18 या 20 बुक ख़त्म कर सकते हो, जिससे आपकी इम्प्रूवमेंट काफ़ी हो सकती है। तो हम वही फ्रेंड्स नेगेटिव कंपाउंडिंग में, सपोज़ आप हमेशा अनहेल्दी खाते हो हर रोज़, तो एक साल या फिर यहाँ तक कि 1 महीने के अंदर आपका वज़न काफ़ी बढ़ सकता है। तो आपको चूज़ करना है आप कौन सा कंपाउंडिंग लोगे, नेगेटिव या फिर पॉजिटिव, जल्द से कमेंट करके मुझे बताइएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारा प्रोग्रेस कैसा होना चाहिए, सपोज़ कि आप एक 25 डिग्री के टेम्परेचर के रूम में हो और आपके सामने एक टेबल में आइस रखा है, तो आपका रूम का टेम्परेचर धीरे धीरे करते करते बढ़ रहा है, 26 डिग्री, 27 डिग्री, 28 डिग्री, लेकिन अभी भी कुछ चेंजेस नहीं हुआ उस आइस में, 29 डिग्री, 30 डिग्री, अभी भी कुछ नहीं हुआ, 31 डिग्री, अभी भी कुछ नहीं, लेकिन 32 डिग्री के बाद वो आइस धीरे धीरे करते करते मेल्ट होना शुरू हो रहा है। क्या वो 1 डिग्री के शिफ्ट के वजह से हुआ है? नहीं फ्रेंड, उससे भी पहले एक डिग्री इंक्रीज़ हो रहा था, अगर पहले डिग्री इंक्रीज़ नहीं होता तो शायद ही 32 डिग्री तक हम पहुंच पाते। वैसे ही फ्रेंड्स हमारा एक्शन होता है, हमारे ब्रेक थ्रू होता है, वो हमारे प्रीवियस एक्शन से ही बनता है, ना कि कोई एक एक्शन हमने कर दिया और वो हो गया, नहीं फ्रेंड्स। तो इसे हम फ्रेंड्स एक डायग्राम से समझते हैं जिसका नाम है द प्लेट्यू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। तो फ्रेंड्स ये जो डायग्राम है द प्लेट्यू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल, इसमें हमें लगता है कि हमारा जो प्रोग्रेस है वो लीनियर होना चाहिए, हम ये सोचते हैं, लेकिन असल में हमारा जो प्रोग्रेस है फ्रेंड्स ऐसा होता है जे कर्व में, और ऐसा ही हैपन होता है, और हम बीच में इस एरिया में निराश हो जाते हैं, हम हमेशा डिप्रेस हो जाते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ, हमने इतनी एफर्ट लगाई और हमें रिजल्ट ही नहीं मिला। तो फ्रेंड्स हमारा जो एक्शन है वो स्टोर हुआ होता है, जो भी रिज़ल्ट आपको मिलेगा वो 32 डिग्री के बाद मिलेगा, यानी यहाँ पे मिलेगा, तो देख सकते हैं हमारे एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा हमें मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स अभी हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट में, फॉरगेट अबाउट दी गोल्स, फोकस ऑन सिस्टम इंस्टेड। तो फ्रेंड्स जो गोल होता है हमारा वो हमारे अचीवमेंट का रिजल्ट होता है, वही जो सिस्टम होता है फ्रेंड्स वो उस रिज़ल्ट तक ले जाने में हमारी मदद करता है। तो इसे हम एग्जांपल समझते हैं, सपोज़ कि आप एक स्टूडेंट हो मेरे जैसे, तो और आपका गोल है कि मुझे ए ग्रेड लाना है एग्ज़ाम में, तो फिर हम स्टार्टिंग में प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं ड्यू टू आवर लैक ऑफ प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। लेकिन फ्रेंड्स अगर हम सिस्टम पे वर्क करें, सपोज़ कि आपके एग्ज़ाम को होने में 1 महीना है, तो हम एक पहले दिन में साइंस का लेसन 1, फिर दूसरे दिन में साइंस मैथ्स का लेसन 1, फिर तीसरे दिन एक्सेट्रा, तो हम धीरे धीरे करते करते हम अपना सिलेबस को ख़त्म कर सकते हैं, तो रिजल्ट डे के अंदर फ्रेंड्स हमारा ए ग्रेड आ सकता है अगर हम अपने सिस्टम को अच्छे से फॉलो करें तो। तो फ्रेंड्स आप में से बहुत लोग कहोगे कि सृजन हमारा जो गोल होता है क्या वो यूज़लेस होता है, हमें अपना गोल को सेट नहीं करना चाहिए। नहीं फ्रेंड्स आपको सेट करना चाहिए, ऑब्वियसली गोल जो होता है वो हमारे डायरेक्शन के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन जो हमारा सिस्टम होता है वो हमारे प्रोसेस एंड प्रोग्रेस के लिए काफ़ी अच्छा होता है, तभी हम अपना गोल को अचीव कर सकते हैं फ्रेंड्स। बस प्रॉब्लम यही है फ्रेंड्स कि हम अपने गोल के बारे में काफ़ी सोचते हैं, ओवरथिंक करते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। इंस्टेड हम अपने गोल का सिस्टम हम डिज़ाइन कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं कि हम उस गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं, और छोटे छोटे स्टेप लेके हम उस गोल को अचीव भी कर सकते हैं थ्रू इम्प्लीमेंटेशन। तो बस इन्हें सही कहा है कि लॉन्ग टर्म थिंकिंग जो होती है वो एक गोल लेस थिंकिंग होती है। तो इसके लिए फ्रेंड्स आप हमेशा इम्प्रूव हुई है, आप लॉन्ग टर्म सोचिए कि अगर हम 1% इम्प्रूव होते जाएंगे देन हम अपने ज़िंदगी में काफ़ी कुछ अचीव कर सकते हैं, जैसे कि हमने अपने एक स्टोरी में देखा कि कैसे ब्रिटिश साइक्लिंग टीम ने 1% हर एक्सपेक्ट में इम्प्रूव किया, देन कितना सारे उन्होंने चैम्पियनशिप जीता। वैसे ही फ्रेंड्स हम भी कर सकते हैं, क्योंकि छोटा इम्प्रूवमेंट काफ़ी बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है।
तो फ्रेंड्स, आदत जो है एक एटम की तरह होती है हमारे डे टू डे लाइफ में। मीन स्टार्टिंग में हमें वो इनसिग्निफिकेंट लगती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये काफ़ी एडवांटेजियस होती है हमारे लिए। तो इसके लिए फ्रेंड्स, आप अच्छा आदत बनाइए। आई होप आपको वीडियो जो है फ्रेंड्स पसंद आई होगी। तो ये जो था पार्ट वन था फ्रेंड्स आदत के बारे में। अभी पार्ट टू भी आने वाला है जल्दी ही इस चैनल में, और वो पार्ट टू में मैं फ्रेंड्स आपको और प्रैक्टिकल एडवाइस दूंगा कि कैसे आप इस गंदे आदत को ब्रेक कर सकते हो आसानी से और अच्छा आदत को बना सकते हो आसानी से। तो इसके लिए फ्रेंड्स आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। तो आज का वीडियो यही ख़त्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको कोई वैल्यू मिली इस वीडियो से तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि दूसरे भी इस वीडियो से कुछ बेनिफिट ले सके। तो फ्रेंड्स, मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड स्टे ट्यून एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप डेवलपिंग। बाय एंड लव यू ऑल फ्रेंड्स। बाय।